मैं मध्यान्ह भोजन बनाथों, दिन भर घसथन 8 बजे 9 10 बजे जाथन ते 3:30 4 बज जाथे, और हमार मन के रोजी झार 50 रुपया ऊपर नहीं होते। ये लोग जमीन को, शासकीय जमीन को अपना करके रजिस्ट्री करके बेच रहे हैं। को कलेक्टर दर परमिट चाहिए और पूर्णकालीन ड्यूटी चाहिए। हम लोगों के घर के इतना मतलब लागा ले लेके ना हम लोग घर बनाए, मकान बनाए, तो हम लोग चाहते कि हम लोगों को पट्टा दिया जाए। हमारे गांव के लिए स्कूल का मांग लेके आए। आज से 6 महीना पहले अनाउंस किया था, वो सर अभी यहाँ पे आकर अनाउंस करें कि वो भर्ती शुरू कर रहे हैं। सीएम सर से सहायता राशि मांगी तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख देने का वचन दिया है। अगर मैं अभी अगर हो जाती, मैं अगर बालिक होती ना, मैं अगर वोट देने लायक होती ना, तो मैं सर को ही वोट देती। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में ग्राम पुरई में आज आयोजन किया गया था। आज यहां पर क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और काफ़ी इनकी मांगे हैं, कुछ शिकायतें हैं, और ये लोग पहली बार सीएम बघेल से, बहुत सारे लोग हैं जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये सीएम बघेल के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं या नहीं, और ये क्या मांग लेकर के आज यहाँ पे पहुँचे हैं, और इनसे मिलने के बाद, सीएम बघेल से मुलाकात करने के बाद, उनसे बात करने के बाद ये कितने संतुष्ट हैं, और पहली बार सीएम बघेल से जिन जिन लोगों ने बात की है, उनसे मुलाकात की है, उसके बाद उनका कैसा अनुभव रहा है? कब आ रहे हो आप यहाँ? महिला समूह ला आगे बढ़ाए बर हमार भूपेश भैया है, हमार जो का है छत्तीसगढ़ के हमार गौठान है, खेत घुरवा नरवा बाड़ी है, ये सब चीज़ ना हमार ध्यान दी से और महिला समूह ला हमार आगे बढ़ा है, और भैया से और सनम ने निवेदन है कि और आगे बढ़ाए महिला समूह के द्वारा, है ना, बहुत देखभाल करी से हमार भैया भूपेश भैया है। का का बना थो आप मन गौठान में? हमार गौठान में है, गौठान समिति में पापड़ है, और काय गौठान में काय है कछुआ, काय पैसो बोलते ना ओला, उमें घुरवा है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के काम भी करते, उमें मुर्गी फार्म। आप का का बना थो गौठान में? खातू बना थान, है ना, खातू है गोबर के, गोबर के पालन करा थान। घुमेला है? घुमेला है। काका से कुछ मांग, कुछ शिकायत? कहीं शिकायत नहीं है, सब बढ़िया है। आप दादा वही मांग धाम करे बर के लिख के दे रहन। का लिखे हो? का लिखे, का मांगे? गांव के रोजगार काम चालू रहा है, जो ये मन बिगड़े है बनाना है ना, का का बिगड़ के नाली वो सब लेकर मांग करेला हम। आप लोग आज यहाँ क्या करने आए हैं? भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, उसको देखने के लिए आए हैं, सुनने के लिए आए हैं भाषण उनका। मेरा घर को पानी चुहा था और समस्या हल करने, समस्या हल आज करवा के रहेंगे आप? हाँ। आपसे लिखवा लेंगे कि आज ही कर दो। हाँ। हमारे क्षेत्र में हमारे गांव के लिए स्कूल का मांग लेके आए हम लोग। कौन से गांव से आए? पुरैना। अच्छा, इस जिले में और नहीं है क्या स्कूल स्वामी आत्मानंद? है ना, नजदीक में चाहिए। हाँ, नजदीक में। लग रहा है कि आज कक्का पूरा कर देंगे आप लोग का मांग। हाँ। आज यहाँ क्या मांग करने आए हैं आप लोग सीएम साहब से? सर, हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड एवं बीएड संघ से आए हैं, और हमारी यही मांग है कि टीचर भर्ती जो सर ने आज से 6 महीना पहले अनाउंस किया था, वो सर अभी यहाँ पे आकर अनाउंस करें कि वो भर्ती शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी 6 महीने से अब तक भर्ती शुरू नहीं हुई है क्या? अभी तक जी सर, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू था, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उसके बाद सीएम साहब ने 76% आरक्षण लागू करेंगे बोले हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा उसमें साइन नहीं किया गया है, और हाई कोर्ट ने 50% पे सभी भर्ती को धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो हमारी भी यही मांग है कि 50% में शिक्षक भर्ती एवं अन्य जो सभी भर्ती रुकी हुआ है उसको जल्द से जल्द शुरू करने की कृपा करें। आप लोग शिकायत शाखा में अपना ये अर्जी दर्ज करा दिए हैं क्या? जी जी, हम लोग जहाँ भी सीएम सर गए, हम लोग अपना ये मांग रख उनके बोलने का मौका मिला कि नहीं मिला आज तक? जी सर, बोले हैं, और ये ज्ञापन भी हम अपने साथ लेकर आए, अगर हमें यहाँ मौका मिलता है तो ये ज्ञापन उन्हें हम स्वयं देना चाहेंगे। उम्मीद है कि आज हो जाएगी मांग पूरा, देखते हैं, अब सर की कृपा रही तो जरूर हो जाएगी। क्या है काकी? मैं भेंट सर से आया हूँ। क्या मांग करे आया? मैं मध्यान्ह भोजन बनाथों, दिन भर घसथन 8 बजे 9 10 बजे जाथन ते 3:30 4 बज जाथे, और हमार मन के रोजी झार 50 रुपया ऊपर नहीं होते, अब बढ़ावो करे तो
ले देख 300 करे तो 1800 दे ही महीना में, महीना में तो 60 रुपया के तोर बच्चल ए कुकुर ला खवा था बिस्कुट खवा थे नहीं खवा थे तो हमार रोजी ला ते एको बन बढ़ावे नहीं कर रहे घर परिवार कैसे चला थे था इतना कम पैसा में अब का का चला थे इसने। देखिए भाई इनका भी काफी समस्या है, 60 रुपया रोजी मिल रहा है आप सोच सकते हैं। अभी कितना 1800 मिलता महीना में, अभी नहीं दे घोषणा करे है लेकिन कब दी देगा कोई पता नहीं है। कितना चाहिए था भाई और नहीं तो हमार 5000-6000 तो महीना कर दे, ज्यादा नहीं मांग कर 5000-6000 महीना कर दी हमारे मन के। सीएम साहब आज आते हैं तो मांग करवे वहाँ सामने, मैं कागज लिखे कहीं अड़ी हरा तो तू ही मान ही बताओ बोले का मौका मिली बोल देवे ना ते बोल बे हमारा असला ते नाचा ते देखे नहीं मिला तो मन बोलन सब बकाला बेटा। अरे माइक दिलवा आप तेकर बोलवे मोला डर ला आई नहीं ले तू ही मन बोलू देखू अंदर जाए अंदर जाने के लिए मिल रहा आपको अंदर कहाँ नहीं मिले गेरे ते चलो भागो भागो खड़े हो कोई दिस ऐसा कुर्सी नहीं है ते मन बहिन तू तीन में खड़े हो पाते आज आप सीएम साहब के सामने अपनी मांग को रख दीजिएगा। हाँ। उम्मीद है कि वो पूरा कर देंगे। हाँ ले करवाओ तू ही जवान करवा देते तो ही बने बेटा हो, अब तुम्हारे मन का करो तो हम तो नहीं बोल सकन में। देखिए काकी का प्रयास है, इनकी मांग है पूरी हो जाए, हमारी भी यही उम्मीद है। अरे भैया क्या मांग लेकर क्या है आज आप? वैसे हमारे ग्राम पंचायत भेड़सर में ना हाई स्कूल का जरूरत है, 11वीं-12वीं का जरूरत है, अगर काका कर देगा ना तो बहुत आभारी रहेंगे काका के प्रति, ऐसे विश्वास है काका कर देगा ग्राम भेड़सर में हाई स्कूल के लिए, क्योंकि आसपास के गनियारी डांडेसरा ढाबा के बच्चे लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे यहाँ 10वीं तक है, अगर काका अनुमोदन कर देगा तो उनका अति आभारी रहेंगे ग्राम पंचायत भेड़सर। मैं पंच पदुम दास मानिकपुरी ग्राम पंचायत भेड़सर का और मेरे ग्रामवासी। क्या मांग है आप लोग का? मेरा नाम डोमार सिंह देशमुख है, मैं भेड़सर रहता हूँ। बच्चों के लिए हाई स्कूल जरूरी है, भूपेन बघेल चाचा को देने के लिए आवेदन किया है, और उसके बाद शीतला माँ मंदिर के लिए भी करने के लिए आया है कुछ सेवा। उम्मीद है कि आज हो जाएगा सब पूरा। हाँ क्या मांग है भैया? मेरा मांग है सर, ग्राम पंचायत भेड़सर में माँ शीतला मंदिर है, जहाँ रोड खराब है, मुख्य मार्ग से लेकर के माँ शीतला मंदिर तक के सीसी रोड बनवाना पड़ेगा। रोड में अभी क्या दिक्कत होता है क्या आने जाने वाले लोग? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बारिश के दिन में तो मंदिर तक कोई जा भी नहीं सकता ऐसा है। और दूसरी मेरा मांग है कि माँ शीतला मंदिर में दोनों पक्ष में नवरात्रि रहता है, तो दोनों पक्ष में जो है ज्योत जमारा ज़्यादा रहता है, ज्योति कलश, तो ज्योति कलश मतलब जो भवन बना है उसमें नहीं आ पाता, तो उस वहाँ मतलब ज़्यादा एरिया वाला भवन, जैसे 100 ज्योत हो जाते हैं तो वहाँ 50 ही आता है, तो ज़्यादा बड़ा भवन चाहिए ही हम लोग। आज बोलने का मौका, आप लोग वहाँ शिकायत शाखा में कुछ दर्ज करा लिए हैं पहले से? कराने के लिए देख रहे वही अच्छा। अभी लेकिन नहीं मिला कहीं जगह, कोई बता नहीं पा रहा है। अच्छा अभी तक जगह नहीं मिल रहा अंदर जाने के लिए। हाँ कितने बजे से आए हैं आप लोग? हम लोग तो ऐसे 2 बजे से आए। 2 बजे से? आप लोग का क्या मांग है बोलना? हाँ हम लोग ना ग्राम हनोदा से, हम लोगों के घर के इतना मतलब लागा ले लेके ना हम लोग घर बनाए मकान बनाए, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पट्टा दिया जाए। हाथ जोड़ के विनती है नेता से हम लोगों का, मुख्यमंत्री से, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा पट्टा मिल जाए बस। हमार बस्ती के जो रास्ता है ना वो पक्की भी नहीं है, तालाब के किनारे है। आने जाने में कितना समस्या होता है, क्या क्या दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है आने जाने में? दिक्कत अभी बरसात में ना चले में बहुत परेशानी होती है, गाड़ी भी नहीं जा सके, तालाब पार है तो तालाब में ना पूरे ना टोटली गड्ढा हो गए हैं, तो रोड भी पूरा नहीं बना पक्का, एक नंबर वार्ड का है तो फिर वो बना भी नहीं। गांव का कौन सा वार्ड? हनोदा में एक नंबर वार्ड का है। कितना ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा? कितने उस वार्ड में कितने लोग रहते होंगे लगभग? पानी की भी समस्या है हमारे तरफ है ना, अभी नल वल की तो कर रहे हैं मगर अभी आए हो जाएंगे, खैर वो तो नल का हो जाएंगे, वो लोग दे रहे तो हम लोगों को भी विश्वास है। सबका सड़क बन गया है, सब गली का सड़क बन गया, हमारे आप लोग को छोड़ दिया? हाँ हम लोग को छोड़ दिए हैं। पट्टा चाहिए हम लग रहा है आज सीएम साहब आज आप लोग की मांग पूरी कर देंगे। हाँ करें विश्वास, क्या पता आए तो हैं। अब आप लोग शिकायत शाखा में नहीं लिखवाए कि अब तक अपना कुछ पता नहीं था? वहाँ लिखवा लीजिए ताकि आप लोग को बोलने का मौका मिले। क्यों अब तक क्यों नहीं गए वहाँ पे? नहीं भीड़ है ना, पता नहीं था ना, कोई बताया नहीं थे भीड़ है, इसलिए हम लोग अंदर जाने दे रहे हैं। क्या जगह है आप लोग के लिए अंदर? अंदर तो जाने दे रहे हैं, जाएंगे अभी सब।
जाने की समस्या नहीं है, जा रहे हैं सब लोग, आ रहे हैं, कोई खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब घर जैसे सुविधा चाहेंगे तो वैसे तो बाहर इस जगह में ठीक है। आप लोग शिकायत वहाँ पे शिकायत शाखा में जाके अपना दर्ज कराइए। कौन से गांव से हो आप लोग? ग्राम कोकड़ी। ये क्या, यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। यहाँ आज क्या क्या देखने आए हो यहाँ पे? सीएम सर को। सीएम सर को देखने आए हो? हाँ, क्या समस्या है आपका, यहाँ क्या क्या मांग करने आए सीएम साहब? मैं यहाँ जानकारी देने आया हूँ, वो तो राज्य का शासन का जो लाभ है ना, मैं धान बेचता हूँ उनका सब चीज़ का ठीक है, परंतु मेरे को जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है ना, उसका आज तक से एक भी किस्त नहीं मिला है, और मेरे नाम पे सन 1984 से कृषि भूमि है। तो ये तो केंद्र सरकार का हो गया ना? ठीक है ना, तो केंद्र सरकार का है, तो यहाँ जो मैं पहले पटवारी साहब को दिए थे पंजीयन करने के लिए, वो नहीं किए, उसके बाद में क्या कृषि विस्तार अधिकारी को दे दिया, उसको भी दिया हूँ, फिर वहाँ ऑफिस में जाता हूँ तो बोलते हैं, मतलब दुर्ग के कृषि ऑफिस में, तो वो बताते हैं कि बाहर कोरियर से पंजीयन करा के आओ, ऐसा करके। और क्या मांग करेंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा तो सीएम साहब? मेरे को बोलने का मौका मिलेगा तो यही है शासन का चीज, और थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत प्रॉब्लम है उसको तो बता दिया हूँ सर को। मांगों को लेकर के आज आप यहाँ आए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में? जी, मेरा मांग है कि हम लोग विगत 2015 में अक्टूबर में कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सत्र क्रमांक 7 में रायपुर से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित से हम लोगों ने कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया था, सहकारिता में डिप्लोमा किया है, तो अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि 3000 पदों पर सहकारिता में जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भर्ती होगी, तो अभी सहकारिता विभाग के द्वारा मार्च में 15 तारीख को सेवा एवं भर्ती नियम प्रसारित किया गया है शासकीय तौर पे, तो उसमें सहकारिता में जो डिप्लोमा किया है उसको न तो प्राथमिकता देने की बात कही गई है और न ही उसको कुछ बोनस अंक देने की बात कही गई है, तो इससे हम लोग नाखुश हैं, और अगर नहीं दिया गया, अमेंडमेंट नहीं किया गया, तो हम लोग के द्वारा माननीय कोर्ट का रुख किया जाएगा। क्या मांग यहाँ बताना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, पूरे आधे पूरे को भूमाफिया लोग, समझे ना, इन लोगों के मिली भगत से। किनकी मिली भगत से है? किनकी मिली भगत? अरे पंच सरपंच है, नेता लोग हैं, समझे ना, सभी लोग। कौन नेता? वही तो पूछ रहे हैं, कौन नेता? जनप्रतिनिधि हूँ करके मुकुंद राय खुद बोलते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग जमीन को, शासकीय जमीन को अपना करके रजिस्ट्री करके बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्री करके बेच रहे हैं। ये इस बात की सूचना आप लोग देने आए सीएम साहब? हाँ हाँ, बिल्कुल देने आया है। क्या लग रहा है, आप लोग बता देंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, या फिर बोलेंगे कि अपने ही नेता छोड़ देंगे, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आप लोग? क्या चीज नहीं, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए। आधी जमीन पूरा, असली में क्या मालूम लोग बंदूक वाले हैं, समझे, डराड़ हम का के किसी भी ढंग से, पैसे पैसा उनके पास बहुत है, पैसा बहुत है। मतलब आपका कहना, लोकल स्तर के जो नेता हैं वो लोग डरा धमका कर शासकीय जमीन को बेच दे रहे हैं? हाँ सर, रजिस्ट्री करके बेच रहे हैं शासकीय जमीन। शिकायत करने आप लोग आए हैं? हाँ, शिकायत करने आए हैं। लग रहा है ना आज मांग पूरी हो जाएगी? हाँ, अब मंत्री महोदय के ऊपर है। सीएम साहब से आप खुश हैं कि ऐसा काम हो रहा है उनके राज्य में? ये केस कहाँ जाएगा ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे, इसके पीछे पड़ी गए हैं हम लोग, करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की जमीन को, शासकीय जमीन को सरकार मतलब रजिस्ट्री करा के बेच रहे हैं। जी सर, मैं स्कूल सफाई कर्मचारी हूँ, अंशकालीन है, हम लोग का ड्यूटी सर से बोले हैं कि हम लोग का ड्यूटी अंशकालीन है, उसको पूर्णकालीन किया जाए। ऐसा, कितने समय तक के लिए आप लोग को रखा गया है काम पे? 2 घंटा का समय दिया है सर, लेकिन दिन भर हो जाता है हम लोग का समय। तो मतलब पूरा तनख्वाह चाहिए दिन भर? जी सर, हमको कलेक्टर दर परमिट चाहिए और पूर्णकालीन ड्यूटी चाहिए। क्या लग रहा है सीएम साहब के सामने आपको बोलने दिया जाएगा, मौका मिलेगा? मौका मिलेगा करके देख रहे हैं सर, भूपेश है तो भरोसा है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। मिल जाएगा मौका तो क्या बोलेंगे सीएम साहब? मिल जाएगा मौका तो मैं यही बोलूंगी सर कि हम लोग का जो ड्यूटी 2 घंटा का है उसको पूर्णकालीन किया जाए और कलेक्टर दर्पणमेंट दिया जाए। कहाँ से आए हैं? जी मैं ढूंढेरा शासकीय प्राथमिक शाला की सफाई कर्मचारी हूँ सर। आज क्या करने आए हो यहाँ पे आप? पर्ची देने आए थे। क्या देने? पर्ची। किस चीज का? पैर का, पैसा के लिए। अच्छा, जो खर्चा हुआ उसका पैसा मांगने के लिए। देंगे आपको, लग रहा है काज दे देंगे आपको? आज पता नहीं, अब देखो बात क्या है, अब कागज तो जमा कर दिया हूँ।
अच्छा जमा हो गया आपका, कहाँ से आए हो आप? उदयी से। उदयी से ही आए हो, यहाँ क्या करने आए हैं यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में? आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है। हम लोग पंचायत विभाग में मनरेगा के ग्राम रोजगार सहायक हैं और मैं पूर्व प्रांताध्यक्ष हूँ। और हम लोग अपने संगठन की ओर से फर्स्ट प्रथम चरण में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय रोजगार सहायकों की तनख्वाह को लेकर के एक बैनर पोस्टर होर्डिंग और सोशल मीडिया में चलाया गया है कि रोजगार सहायकों की जो मानदेय है उसको 5,000 से बढ़ा करके 9,540 किया गया, लेकिन आज तक उसका कोई शासकीय आदेश नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये बताने आए हैं कि आपके नाम और छत्तीसगढ़ शासन के नाम को ये जो प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया वाले लोग जो है बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं, तो कृपया आप इससे अवगत हो जाइए और जो वास्तविक में जो सत्य है उसको जानने का प्रयास कीजिए। तो क्या लगता है आज बोलने से बढ़ जाएगा क्या? नहीं, हम लोग यहाँ हम लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, हम एक्चुअली सीएम साहब को ये बताने के लिए आए हैं कि आपने जो घोषणा नहीं की है उसके बावजूद भी ये सोशल मीडिया में जो ये वायरल हो रहा है मैसेज, इससे आप अवगत रहिए। अच्छा, ध्यान आकर्षण के लिए आए। तहसील के निवासी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये विधानसभा का आदमी नो हो और मैं है बिल्कुल समय ला ध्यान में रखते हुए एक मिनट में बात ला खत्म करा था। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और भूपेश बघेल के सरकार ये हुआ ही संगवारी, बस समय के यह घोड़ा है और बिजली में हाथ सब खोसे थी और छत्तीसगढ़ में खुशी बना दी भूपेश बघेल सरकार है चार को दी और जीवन मिलना किस्मत के बात है और मृत्यु होना समय के बात है और 2 रुपये किलो में गोबल्ला खरीदी करा थे भूपेश बघेल सरकार है, ये बहुत अच्छा के बात है। और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती और आंसू ना होते तो आते इतनी खूबसूरत ना होती और गर्व न हो छत्तीसगढ़ की बात अगर ऐसा ही हो जाता तो भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री के आवश्यकता ही नहीं होती और अनेक फूल मिलकर बनते हैं गुलदस्ते और 4 किस्म धान के बोनस पैसा ला देते संगवारी भूपेश बघेल सरकार है। माननीय भूपेश बघेल की सरकार और महानदी के चंपत रेती अमृत कुंड का धारा है और कांग्रेस का वोट तो संगवारी या भोले नेता तुम्हारा झारा झारा है और आन बान शान है छत्तीसगढ़ या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भारत देश में अलग ही पहचान है। अपनों को अपनों मिले, हम मिले या न मिले और छत्तीसगढ़ शासन में माननीय भूपेश बघेल जिला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के मौका जरूर मिले और ना भूलना ना भूलने की कोशिश करना, ना भूलना ना भूलने की कोशिश करना और पंजाब छाप में पटल दबाए के कोशिश करना। अपन अपन विवेक है, अपन अपन विचार और एकड़ में 20 क्विंटल धान ला खरीदी करी अमर भूपेश काका के सरकार और खंडे है ना। देखिए दूसरा जन बात के वो महत्वपूर्ण भैया लगन जन हमारे शहीद है लोकेश साहू जी, राम कुंडा निवासी है रे, कुंडा कुंडा निवासी, कुंडा 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 के ब्लॉक के कुंडा निवासी, मोर सपना है कका ओकर प्रतिमा अच्छा से बन जाती जैसे की के आपला 5 लाख रुपया के मांग करत हो रखे तो का कहते सचिव हड़ताल में कागज नहीं बन सके। चलो चिंता मत करते हैं ना, वो 5 लाख के बजे राशि बस माइक ला दे, दूसरा मौका दे, दूसरा जी रेल आया तो पूरा समय ले लेते हैं है? चलो 5 लाख रुपए दे घोषणा करा तो कहीं भी ले कलेक्टर साहब मैं 20 क्विंटल खड़ी हुई घोषणा करे हूँ, ये जब तक किसी एनिन पर नहीं ली ना तब तक एक धान 20 क्विंटल नहीं खरीदता मत खरीदो नहीं कर खरीदी कर रहे हो मैं खरीदी करूँ लेकिन तेरे सियानी का कुछ लेते नहीं लेते हाँ ले बो ना लेकिन 9,000 रुपया है तेरे तो रही हवा का 15 क्विंटल बढ़ाए ना तेरे 20 क्विंटल हो गए हवा का हाँ ठीक है और सुन दे काका हाँ अबर यार स्वामी आपका स्कूल खुले हैं हाँ स्कूल तो खुले में बिल्डिंग नहीं है लड़का मतलब पर तकलीफ होते है दोनों लड़का पढ़ते स्वामी आत्मानंद में अभी परीक्षा उसका 10वीं 12वीं के 1 बज रहा है स्कूल अब वो काका है घर में आके पापा घर में उसको मैं कूलर लगवा दे बेकरान थे और 1 बजे से नींद भी लगते हैं सुन जब तो ऐसे ही मैं पेटी करवा दे बेकरान तो उसका कन दान दे दे यार तेरे माने मौजे में अवगत कराना चाहूँगा कि रसमड़ा में हमारे कुल 4,000
859 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, जिसमें से 1037 व्यक्ति यानी 21% लोग मूल रसमला के निवासी हैं। और इसमें हमारे पास यूनिट्स हैं और यूनिट्स में अभी सूची भी दी है, किस किस को रोजगार दिया है, आधार कार्ड नंबर सही दिया है। बैठो जी, 1000 आदमी मिलेगा थे। ये गलत जानकारी है। हम ये कलेक्टर महोदय के साथ हमारी मीटिंग हुई, सो हम बोले हम बात न उठाएं। ये जानकारी जो आप मन देते हो गलत, हमारे मिलवे नहीं करी, हमारे मांग करी तो बोले। एक महत्वपूर्ण बात आओ है मंत्री, मुख्यमंत्री जी, कि उद्योग स्थापना हो तो किसान मन के जमीन ला अधिग्रहित करी। अब ओमे से पंचायत लो उपयोग के लिए भी तो जमीन चाहिए। वो जमीन ला मांगत 30 साल हो गए, आज तक ये जमीन नहीं मिले है। अब हमें 100 साल से जमन निवास रहते है, जिकर मकाम है, वो चौथा पीढ़ी आज चलत है, और वो उद्योग में अर्जी थे वो। ठीक है, वो कलेक्टर के साथ और मीटिंग हुए, वो लिस्ट पूरा जानकारी तो मतलब दी है ना, और जो समस्या तो करवा बात करो। ठीक है, हाँ, बीज आप 78 रुपये किलो दे, वो में बहुत कारगर है बीज, है ना। अभी हमारे चना ला 50 रुपये में लेवाल नहीं है, है नहीं का उत्पादन 1.5 क्विंटल आते है, तो हम किसान लोग आए किसी ढंग से बढ़ी जी। हाँ, और उम्र कर्जा 178000 माफ कर दो, 178000 जी हाँ। और धान कितने बेचे थे? धान 193 क्विंटल, 193 क्विंटल पीछे सब आ गए, सब आ गए। अच्छा जी हाँ, और ऋण माफ़ी भी हो गई? ऋण माफ़ी भी हो, किस्त में 3 साल के बराबर चारों किस्त मिल गई, मिल गया पूरा पैसा मिल गया, मिल गया। क्या करें, जमा करेंगे आप लेकिन कहाँ करा रहे? अच्छा, हर साल 1-2 लाख खर्चा है तो एक कोरोना काल में। अभी रेलवे में ग्रुप 3 चयन हुआ, ठीक से चेक नहीं करी तो अगर कान मशीन में चेक करिए तो अगर कहीं फोल्ड में पा दे कान में बढ़िया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, कब अच्छा होते लेकर होंगे, कहा होते नहीं जान दिया होगा। अभी बोला फिर प्री मेडिकल के चांद है 24 अप्रैल को जमा करना है 24 तारीख। अच्छा जी हाँ, ठीक हो तैयारी कर लो। हमारे शुभकामना है बेटा, आशीर्वाद जी हाँ, जी हाँ, आशीर्वाद खूब बताए। मगर चना भर के जिक्र होगा 75 मिले 50 मिले वाले नहीं है, देख बीजा तो महंगी भी है। अब विनायकपुर अच्छा धान लेता सस्ता मिल जाते बीजा। सतनाम दिवाकर गया पर मोर नाम है। अच्छा, और खेती करता हूँ कि रहता गिरी करता हूँ? खेती करता हूँ काका में। अच्छा, फुर्सत मिल जाते? हाँ। अच्छा, क्या एकड़ है? 10 एकड़ 3 हवे। रहता गिरी माफी हुई? मोर 170000 हुई से। लेकिन रहता बेचे? लेकिन आप जब ऋण माफी करे हो तो कुछ चिंता होगी इसकी, मोर ऋण माफी हुई की नहीं होगी? कहा बाकी मैं नेशनलाइज बैंक से कर्जा ले रहा हूँ काका, और 170000 रुपए नेशनलाइज बैंक के भी कर्जा माफ हो से। हेलो हाँ, 170000 मोर कर्जा माफ हो सका ओकल ले धन्यवाद आपका, बहुत बधाई। और 15 क्विंटल से 20 क्विंटल करे ओकल ले भी बहुत बहुत बधाई। हाँ, धन्यवाद। और काका एक निवेदन भी से, हम स्विमिंग एकेडमी चलाथन तो हमारे पुरई के जो बच्चा है वो मन नेशनल स्तर में सब तैराक करते, अभी 8 घंटे लगातार दौड़ के गोल्डन को आप हुआ ना रिकॉर्ड बनाई, लेकिन वो मन ला हम आपस में सहयोग करके मदद करते। आपसे निवेदन है अगर 2-3 लाख रुपए वो बच्चा मन पर मदद कर दो तो हम अच्छा से एकेडमी करवो, काबर की यहाँ 50 काम भूपेन मिल चुके हैं सर। हाँ जी, ग्राम तिरगा के निवासी हूँ, बतावे जैसे सर आज बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे गांव में आप महात्मा गांधी के अवधारण आप मूर्ति करे हो, पहले मैं आभार व्यक्त करे आप प्यारे मिल चंदन जी के भी करे हो सर। और सर मोर गांव में गंभीर बात हो है सर, गंभीर बात है कि महात्मा गांधी मनरेगा योजना के तहत मोर गांव में क्षमा चाहता हूँ सर, मैं एक बात सुन लो सर प्लीज। देख माइल मांग के तुम दूसरा विषय बात करो, सब योजना के बारे में चर्चा करते रहो सर, दो मिनट सुनो सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मनरेगा में जम के भ्रष्टाचार हो सर वहाँ पे, चलो दे दे सरपंच सचिव मुख्य भूमिका में दे दे आवेदन सर, उसको जांच कर लेंगे ठीक है, आवेदन दे दे। बीमा करा के रहे लेकिन विपत्ति स्थिति में मोर पापा जी चल दी, लेकिन पटवारी कर जाऊँ आवे की बोल रहे हैं। और एक निवेदन है काका, धरोड़ा गांव में मीडिया वाले मैंने ये मन अति व्यति ने पेपर छपते, हमारा कोई जानकारी नहीं है काका, काका हमारा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन पेपर और इधर माध्यम से मेरे छोटे से पंच हो काका 10 साल हो गए,
हमारे गांव का निगम नहीं होना चाहिए। हमारे अभी कम से कम कॉलोनी में बहुत कम जगह है। हाँ एसी वाले मन नहीं बोले, राशन कार्ड धारी मन बोलो, कौन बोली एक माइक लेको भाई। राशन कार्ड बने घर में कितने सदस्य है? 5 जन। कब तक चावल मिलते? अभी 35 मिला तक। अच्छा 35 मिला थे। हाँ। और नमक? नमक 1 किलो। और मिट्टी तेल? मिट्टी तेल अभी नहीं मिला तक, मिला तो इसको ले नहीं सका था, रेट ज्यादा हो गया था। देखो क्यों 80 रुपया। हाँ सिलेंडर का रेट भी बढ़ गया काका बहुत ज्यादा। काका सिलेंडर का सिलेंडर थे कतिक हो गए 1200। वो तो सस्ता हो गया ना 1200। महंगा है काका, महंगा रहती तो सरोज पांडे जरूर धरना देख बैठे रहती। 400 रुपया रही तो धरना दे रही से सुनता ही नहीं तुम अल्लाह। अब वो धरना नहीं देने का मतलब 1200 सस्ता है नहीं सस्ता? कम कर दो काका हिसाब से नहीं। अच्छा वो शक्कर कतका मिल रहे? 1 किलो। 1 किलो कतका पैसा देता? 17 रुपया। 17 रुपया शक्कर के। नमक के कतका? अच्छा। गैस सिलेंडर माटी तेल ये भारत सरकार तय करते और दोनों ग्रेड में माने बाढ़े। डीजल के भाव कतका है? पेट्रोल के भाव जाना तो मैं 130 रुपया। बोल कौन तय करते होगा रेट का? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार घने समझदार है मतलब। तो बढ़ाए काम भारत सरकार है ना, और सहायता दे काम है तो राज्य सरकार, ये अंतर है। तो आप खूब बधाई खूब शुभकामनाएं। गैस सिलेंडर हमें कई महीने भरवा था? बोला 2 महीना भरवा था। कतका भाव है? 1200 भाव है। सस्ता है नहीं? नहीं है महंगा है। महंगा है काका महंगा है। गोबर कौन कौन बेचते? गोबर गोबर हेलो हेलो। तो माइक कैसे पहले पहुंच गया जब मैंने बोला हूँ कि मिलना नहीं चाहिए? हेलो गोबर को बेचते हैं उसके हाथ माइक जाए। अच्छा बताइए गोबर बेचते होते हैं? रोज के 23 किलो गोबर होते। हाँ और रोज बेचते थे? नहीं सबको नहीं बेचो, जितना जगह रखे कंटा बना के उतना कंटा बना दो और जितना बचत रखे उतना रो बेचो। अच्छा अभी तक कते गोबर बेच रहे? आप हिसाब नहीं कर रही हूँ। ये हिसाब है? तब हमने 4-5 हजार की बेच रहे बेच रहे। हाँ बोला हाई हाई सेकेंडरी करना है मतलब मिडिल स्कूल से सीधा हायर सेकेंडरी? नहीं हाई स्कूल है ना भी दसवीं। हाँ पहली बार भी नहीं है सेकंड बार बाहर जाए तो लेकर मन है। हाँ अंदर जाके। हाँ अब अभी रोड मन खराब है अभी बना तो कल को किलो खराब था थे। अच्छा नवा बनाए तो खराब हो गए करियो नहीं सर वो हमारा काम होना चाहिए सर। तुम्हारा काम याद हो? कौन गाड़ी रोड जी? भानपुरी। भानपुरी मतलब ग्रुप ग्रामीण में? ग्रुप ग्रामीण। अच्छा गोबर बेचते जी? आओ कते घंटे के? 2 लाख के। 2 लाख रुपए बेचते गोबर? आओ वहाँ चल वहाँ काम भानपुरी के। अच्छा तो यहाँ के घर गोबर तोड़ होते थे? आओ और गरबा कहते घर में? घर में तोड़ तो है पिछले साल तो सुरुज करेंगे यार। पिछले मतलब मार्च के पहली के पैसे आ गए तो पूरा 7000 रुपया आ गए। अब ये साल के नहीं आए तो दो दिन तो वित्तीय वर्ष हो अब एक बात फिर मिली। अच्छा ये एक योजना है तेनहार बाजार क्लिनिक योजना, गांव के बाजार मन में भी गाड़ी जाते जगह से इलाज होते, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है,
और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है, ये योजना के कोनो लाभ उठा है काका को दौर से कुछ बात बोलना रही सवे। हाँ हमारे विद्यार्थी मन देश के भविष्य रहे लेकिन गरीबी कारण कैसे मन नहीं पढ़ सके। मोर भाई अभी वो मतलब ना वो हमारे इतना गरीब घर से बिलोंग करता है, हमारे पाँच तीन भाई बहनी हमारे अभी तक हमारे ना पाँच रुपये बिस्किट लाए तक पैकेट नहीं खा है, हमारे वैसा बांट के ही खा था कि मोर भाई हवे ना जेकर फोन भी नहीं रही सवे मोर बड़े भाई पर उन्होंने पढ़ी सवे अपन पढ़ाई बारहवीं तक वहीं पूरा करी सवे तो मोला ना इंस्पायर अवार्ड में 10,000 मिले रही से हेमत ना 2,500 मॉडल पर लगी सवे और जो 7,000 25 ना 7,500 तेकर हमन ना और फोन खरीद के दे रहे हैं तेकर से वो बी एस सी फर्स्ट ईयर करत वो बिना कोचिंग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ना नीट क्लियर करी सवे। अभी ना अंबिकापुर में वही सवे सिलेक्शन है और 450 वैसे कुछ बनी रही सवे अंक है तो फिर अभी एडमिशन बनना 70,000 रुपया लगी सवे सर हमला 50,000 डीडी के और 20,000 इसमें तो फिर एतिर वेतिर करके पूरा उधारी करके यहाँ पैसा होते नहीं रही सवे हम अपने यहाँ के अध्यक्ष बोले ना तो 10,000 दीस भी हवे लेकिन उधारी तौर पर दी सवे वहाँ और मोर पापा दो बार पैर फ्रैक्चर हो चुके हवे तो पापा काम हम नहीं कर सके, मम्मी ये काम करते मम्मी है पहला संभालत हवे हमारे घर ला तो फिर मोर भाई के हर महीना 3,500 रुपये लगते अभी हमन पूरा कर्जा बोर्डिंग डूबे हवे मोर मम्मी और पापा हा पैसा होते नहीं रही इतना तो हमारे स्कूल के लाइव असिस्टेंट हवे जब यू सर तो 20,000 अपन सैलरी ला के दिस सर तब हो सब मोर भाई के एडमिशन हा4 साल की उम्र के ऐसा कोनो आया है ग्राही जो कर लाभ उठा है अभी स्वस्थ है मैं जब आंगनबाड़ी में पट्टी चेक करवाऊँ हर महीना गरम चावल रोटी सब्जी और दाल और केला ये सब्जी मिलत की से मोर बच्चा ला आज मोर बच्चा समाज में आ चुके हैं वे गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू डायरेक्टली सर आई जस्ट वॉन्टेड टू से अबाउट द प्रोजेक्ट स्वामी आचार्य गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल माई नेम इज अर्पित निरंकारी फ्रॉम आई एम स्टडिंग इन क्लास 11 फ्रॉम स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल रिसाली सर वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बाय जस्ट वी आर गेटिंग द ऑल द फैसिलिटीज फ्री विच आर वी वर गिविंग द लॉट्स ऑफ फीस टू द प्राइवेट स्कूल फीस वी आर गेटिंग टूडे नाउ द डे इज फ्री सो सर थैंकिंग यू फॉर दैट प्रोजेक्ट बस सर एक बार बोलने थी कि आई जस्ट वॉन्ट टू से यू वन थिंग तुम्हारा पॉकेट मनी नहीं बढ़ा रहे तुम्हारे पापा सर अभी ऐसी कंडीशन नहीं है घर में सर वो अभी ना वो काम करते थे बट उनका एक्सीडेंट हो गया था ना तो हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सर तो उसको CBSE करवा दीजिए प्रोसेस मैं करेगा साहब बताएं जी सर जिसको कुछ CBSE करने की डिमांड है लेकिन हमारी स्कूल मेवई में सिर्फ 8वीं तक कक्षा है लेकिन जब हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जाबो तो कर भी ना हमारे घर के क्षेत्र से अपर दूर दूर रिसालिया उतई में है 5 किलोमीटर दूर पर जाते और बस 24 घंटा चलती हमारे जा रहे हैं
लेकिन हमारे घर अभी उतना आर्थिक स्थिति नहीं है कि हम अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सकें। तुम्हें तो फ्री में पढ़ा था ना? हाँ, लेकिन हम हमारे घर से ऊपर दुरिया दुरिया पढ़ते, तो हमें चाहते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र जैसे बड़ौदा और निवाई के बीच में ही आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम के निर्माण हो जाए। और 1 अप्रैल से एक शुरुआत हो, कौन कौन रजिस्ट्रेशन कराया हो? पहले 11,000 रुपये रही से, अब तो 2.5 लाख है, 2.5 लाख। और 18 साल से 33 साल की उम्र और 12वीं पास और 2 साल का रजिस्ट्रेशन, अभी तक के 6,000 गले हम ओपन करे हैं और 6,000 रजिस्ट्रेशन आ गए है ना। तो कर लाभ सब साथी मन लेना चाहिए, जब 12वीं पढ़ रहे और जो रजिस्ट्रेशन करा रहे। और सर्वे शुरू कराए ना, अभी ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे होते हैं और सर्वे में बरोबर भाग लो, कल से शुरू हो सर्वे। जानकी भाई मार काम होता ही बाजार चौक साहब। अच्छा, जानकी भाई मार काम होता ही रिता। हाँ बता। मोर इंद्रावास घर अधूरा बने। अच्छा, दरवाजा खिड़की नहीं लगे, अंदर प्लास्टर नहीं। नगर पंचायत देने में तो तकलीफ नहीं है, वहाँ तो पैसा पहुँच रहा है बराबर। नगर पंचायत से मो है कदे जन छात्र छात्रा पांचवी में 70-80 बच्चे ना दूसरे को चाहे कोई बात को या कर रहे मतलब होता ही पूरे ही बोला 3 किलोमीटर ले जाए लखोपर से भी ज्यादा। अच्छा, तो स्कूल के मांग करे थो, बहुत दिन से स्कूल के मांग करे थे लेकिन नहीं हो पाते। अच्छा, धन्यवाद। आपका धन्यवाद रहता काका। एकदम मोर पढ़ाई में मैं पूछा तो तेरे बताना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना नहीं है। राशन कार्ड है? राशन कार्ड है मम्मी के। राशन कार्ड से भी इलाज होते भाई? नहीं है मोर, राशन कार्ड है लेकिन स्वास्थ्य कार्ड नहीं है मोर का विशेष। अच्छा, एक काम कर लो, आवेदन दे दे। मैं तोरे है तरिया में बुराई में, अब गिनीज बुक में नाम लिखा है। अभी 9 तारीख की एक लड़की तो रैया है 8 घंटा तरिया में और गिनीज बुक के लिए, यही पुरई में 8 घंटा तालाब में दौड़ के गिनीज बुक में नाम। अभी 9 तारीख की एक लड़की तोड़ने वाला है गिनीज बुक के लिए 8 घंटा, ये पुरई गांव के तरिया में। पुरई उमरपोटी उतई पौवारा कोखड़ी कोड़िया खमरिया धनोरा अतका गांव में उमरपोटी से लेके खो खो में नेशनल खेले हैं और अन्य गेम्स में भी नेशनल प्लेयर हमारे यहाँ बहुत है। हर गांव में क्लब बना चुके हैं मन में, और वो क्लब के कारण मैं आपसे निवेदन करता हूँ पुरई में एक एकेडमी, मैं बजट में भी मांग कर रहा हूँ, पुरई में एक एकेडमी की ज़रूरत है, ये बात मैं ज़रूर आपको स्वीकार करूँ। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी उन्नयन के कुथरेल के एक जन महिला भी बोलत रही से हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी उन्नयन करना है, बहुत छोटे छोटे सब मांग है, वो मैं कुथरेल है बीरेझर है हनौदा है स्टेशन मड़ौदा है, ये 4 जगह हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी उन्नयन के मांग। और एक ठन जरूरी मांग है नागपुरा में नया कॉलेज खोले के, कई जन मन बोलते हैं नागपुरा से दुरुप के लगे हैं, पर मैं व्यवहारिक चीज़ बता देता हूँ, रुद्र गुरु जी के क्षेत्र है और मेरे लगे हुए ढाबा अंजोरा उद्योग क्षेत्र है, तो वहाँ ITI कर दे जाए। अंजोरा खा जो राजनांदगांव रोड में है वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जरूरत है, 8-10 गाँव में प्रभावित होते तो वो में है। शासकीय महाविद्यालय उतई है नेक में बढ़िया स्थान पर है, बहुत बढ़िया कॉलेज है हमार शासकीय महाविद्यालय उतई, बहुत बढ़िया कॉलेज है, मात्र 8 ठन कमरे को वहाँ जरूरत है, तो सिर्फ कमरा के लिए राशि की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं हो में हमन। ओकर अलावा भी जिन मांग है छोटे छोटे तेन आपके सामने रखे हैं हमारे पुरई में, जी आज आप बैठे हो यहाँ नया स्कूल बिल्डिंग चाहिए, काबर कि यहाँ की स्कूल बिल्डिंग भी काफ़ी जर्जर और पुराना हो चुके हैं। और भैया कहा थे मैं जत का मांगे हैं तेला एक लाइन में घोषणा कर दे तब हो ताली में बजाओ। मैं आवेदन ले लूँ चिंता मत करो। तो सबसे पहले
ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में आप सब जान रहे हैं, ओकर बारे में बहुत अखन चर्चा हुई। तो मुख्य रूप से स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बना था और शहर में भी और गांव में भी, ताकि लोगों में रोजगार मिल सका है। और उकर बाद शिक्षा है किसान मन के, मजदूर मन के। अब तो नगर पंचायत में भी भूमिहीन मन ल 7000 रुपये हम देबो, 2500 रुपया मासिक हमार बेरोजगारी भत्ता भी देबो। ओके साथ साथ अब आए हम क्षेत्र में तो संघ छोड़ोने कुछ कुछ देर लगी है, ताम्रध्वज भी मांग करे तो सबसे पहले नगपुरा में नया कॉलेज की घोषणा करा था। काली कमती बजट में आगे नहीं पढ़ा। अच्छा, ग्राम रसमड़ा में नया आईटीआई शुरू किए जाए तेकर घोषणा। ग्राम अजोरा में स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र खोला जाएगा। सहरा के खो खो प्रारंभ की जाएगी। तुम्हें मांग कर रहे ना। और शासकीय महाविद्यालय उतई में 8 अतिरिक्त कमरा का निर्माण कराया जाएगा। हनौदा कुथरेल गिरेजर हनौदा में के शासकीय हाई स्कूल का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन कराया जाएगा। नवीन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम खोपली ग्राम मुंडेरा में खोला जाएगा। हाई स्कूल भवन रुदा में नया बिल्डिंग बनाया जाए तेकर घोषणा मैं करा था। ग्राम पुरेना ग्राम कादरों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। ग्राम पौवारा में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय प्रारंभ किया जाएगा। ग्राम मतवारी और उमरकोटी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का भवन बनाया जाएगा। और ग्राम नगपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 50 बिस्तर में अपग्रेड किया जाएगा। ईश्वरी प्रसाद साहू के नाम से 383 किलो गोबर बेचाया है, जेकर पैसा 766 रुपया खाता में पहुँच गए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। लाल बेजंदन की मूर्ति का अनावरण और उसके साथ साथ आज नाचा गम्मत कार्यक्रम जो प्रदेश स्तर पे है और जिसे रामचंद्र देशमुख की स्मृति में निकुम में मनाया गया, पिछले साल भी मनाया गया था, इस साल उसको परंपरा को जारी रखे हैं, वहाँ उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। और आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम में यहाँ मुलाकात हुई, बहुत सारी जानकारियाँ लोगों ने दी और योजनाओं का लाभ सब लोग उठा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक और गृह मंत्री जी ने लंबी चौड़ी मांग रखी कॉलेज की, ITI की, स्कूल के उन्नयन की, खेल अकादमी की, खो खो के, तैराकी की, ये सब मांग उन्होंने की। उन सब मांगों को मैंने स्वीकृति दी। अप्रैल फूल तो रमन सिंह बनाते रहे 15 साल तक के। 11000 रुपया वार्षिक आमदनी वाले को मिलता था 2004 से लेके 2011 तक के, केवल 300 रुपया। 12-13 में वो 1000 किए और उसके बाद 16-17 में बंद कर दिए और उसके प्रक्रिया इतना लेंदी था, कोई उसका लाभ उठा नहीं पा रहे थे। 15 साल में केवल 100 करोड़ रुपया बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, जबकि इस साल ही हम 250 करोड़ रुपया बजट में इसका प्रावधान हमने रखा है और सरल घर बैठे वो आवेदन कर सकता है। और आय सीमा है वो 11000 से बढ़ा के 2.5 लाख रुपया कर दिया है। तो रमन सिंह जी को केवल प्रतिक्रिया देना है इसलिए दे रहे हैं, लेकिन यदि देखें उनके कार्यकाल में भी लागू था और हमारे कार्यकाल में लागू हुआ है तो दोनों में अंतर कितना है वो खुद समझ सकते हैं। कितना सुखद अनुभव होता है एक बच्ची को पैसा दे पाते हैं, लोगों से बात कर पाते हैं, गुरु जी का भेंट मुलाकात कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देखो उस बच्ची ने राशि बिटिया ने अपने भाई के लिए जो नीट में पास हुआ और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हुआ, आर्थिक स्थिति ख़राब है, ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो गरीब परिवार के हैं उसको आर्थिक सहायता राज्य सरकार के ओर से देकर उसे पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा और उसके आर्थिक स्थिति भी बताया, घर में एक्सीडेंट भी हुआ, फिर भी उसके देखिए जो जीजी विषय है जो
उनके जो संघर्ष करने के पूरे परिवार की, पिता के एक्सीडेंट होने के बाद भी जो भाई बहन हैं मिल के पढ़ाई कर रहे हैं, कर्जा लेके लोगों सहयोग लेके, और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, जैसे कॉलेज के प्यून ने या स्कूल के प्यून ने भी 20,000 रुपये की मदद की। बड़ी बात है किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 20,000 रुपया दे, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैंने कर्ज छूटने के लिए भी और जो खर्चा आया पढ़ाई में उसके लिए मैंने 2.5 लाख रुपये। पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ खनिज है तो वहीं चिन्हित किया जाएगा, अब जहाँ खनिज नहीं वो थोड़ी चिन्हित किया जाएगा। और उसकी प्रक्रिया है, गाँव वालों की सहमति होती है उसके, क्योंकि निजी ज़मीन जाती है उसके सहमति ली जाती है, उसको मुआवजा दिया जाता है, बहुत सारी प्रक्रिया उसके दौर से गुजरना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है, 71 का बहुमत है तो सरकार तो गिरा नहीं सकते जैसे दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में जैसे गिराए वो गिरा नहीं सकते। तो ईडी नाम की संस्था को छत्तीसगढ़ में छोड़ दिया गया है, एक महीने में 50 जगह छापा मार, किसको कहते हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा होगा ये। और मिला क्या अधिकारियों के यहाँ छापा डालने, क्या मिला? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के यहाँ छापा डाले, क्या मिला? बताएं ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को कितनी राशि मिली है। और केवल ये भय का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आगामी जो विधानसभा चुनाव है वो ईडी के माध्यम से लड़ना चाहती है। अब वो खुद मान चुके हैं कि हम अपने भरोसे अपने बलबूते चुनाव नहीं जीत सकते, नहीं लड़ सकते। देखिए नक्सली हिंसा में यदि पिछले वर्षों की तुलना करें तो उसमें कमी आई है। अभी जो घटनाएं घटी है, किसी घर में घुस के किसी को मार देना, पहले जो ईडी आईडी ब्लास्ट करते थे वो घटनाओं में कमी आई, पहले जो कैंपों में हमला करते थे जवान अपने आप सुरक्षा करते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है कि हमारे जवान निकल के मोर्चा संभाल रहे हैं और नक्सलियों को घेर के या तो उसको आत्मसमर्पण करा रहे हैं या फिर वो गोलियों के निशाना बन रहे हैं। तो नक्सलवाद बहुत सिमट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हुआ है और मैं उसका दावा भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि बहुत कमी आई। वो हमारे नीति कारण से विश्वास, विकास, सुरक्षा, आदिवासियों के वहाँ परंपरागत निवासियों के पहले विश्वास जीता हमने, उनकी ज़मीनें वापस की, ज़मीन का मालिक हमने बनाया, जो जल जंगल ज़मीन की बात करते थे उसको हमने दिलाया, उनके लघु उपज की कीमत हमने दी उसको बढ़ा के दिया, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, पेयजल है, उस सब की व्यवस्था हमने की। और इस कारण से जो आदिवासियों का विश्वास लौटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के शासनकाल में जितने आदिवासी जेल में ठूसे गए थे बेगुनाह आदिवासियों को नक्सली बताकर, उन सबको वापस कराने का काम हमारी सरकार ने किया। बहन आपका क्या नाम है? मेरा नाम राशि बंजारे है। आप आज सीएम बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे और आपने उनसे मुलाकात की, बात की, सबसे पहली बार आपने उनसे पहली बार आपने साथ तक मेरे ख्याल से बात की होगी, कैसा अनुभव रहा उनसे बात करके आपका? मुझे शुरू में तो डर लग रहा था, लेकिन बाद में सर इतने फ्रेंडली हैं कि मतलब मेरा डर खत्म हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ आई होंगी तो आपने जैसे मैंने भी सुना आप अपनी तकलीफें बता रही थी, आप बहुत गरीब घर से आप बता रही थी बिलोंग करती है, तो आपको क्या जितना टेंशन था उनसे बात करने के बाद क्या वो मुक्त हो गया क्या? हाँ जी, अब सब टेंशन मेरा मुक्त हो गया, मैं पूरी चिंता मुक्त हो गई। किस बात की चिंता थी आपको, क्या क्या अपनी मांग लेकर क्या आए थे? मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कर्जे का बोझ था, तो उसकी मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी। और आप अपने भैया के बारे में जो बता रहे थे कि वो पहले अटेम्प्ट में नीट के लिए, आप लोग होनहार विद्यार्थी मैं समझ सकता हूँ अपने घर के, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के नीट क्लियर किए, तो क्या क्या कर्ज वाला जो आप बता रहे थे सीएम बघेल जी से, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने क्या समस्या बताई और उन्होंने उसका कैसे निराकरण किया? भैया अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में है, तो फिर वहाँ उनका मेस पर मंथ मेस का चार्ज 3500 रुपए है, जो कि हम लोग नहीं दे पा रहे थे 4.5 साल के लिए। तो फिर मैंने उसी के लिए सीएम सर से सहायता राशि मांगी, तो उन्होंने मुझे 2.5 लाख देने का वचन दिया है। अब आपको यहाँ से बात किए, अब आपको उन्होंने घोषणा कर दी 2.5 लाख रुपए देने की, फिर आपको क्या लगा कि आपके क्या सच में काका जिंदा है वाला नारा को ये चरितार्थ करता है ये बात उनका जो घोषणा है? हाँ जी, ये बिल्कुल चरितार्थ करता है उनको। मेरा तो यही मानना है कि सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हीरा हैं। आखिरी लाइन भूपेश बघेल जी, आपने तो वहाँ बोल ही दिया, उनको धन्यवाद कर ही दिया, पर हमारे चैनल के माध्यम से देखना अगर वो देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अगर मैं अभी अगर हो जाती, मैं अगर बालिक होती ना, मैं अगर वोट देने लायक होती ना, तो मैं सर को ही वोट देती।